आज के टाइम में नफरती और बेरोजगारी का दौर है, जिसकी लड़ाई हम लोग की 24 से शुरू होगी और तेजस्वी भाई को हम लोग कोशिश करना है कि 25 में मुख्यमंत्री बनाए। उसके लिए हम लोग को इसी चुनाव की तैयारी करनी है। बेलागंज के दंगल में अब लड़ाई अंतिम मोड़ पे पहुंच चुकी है, नाक की लड़ाई बन चुकी है और ऐसे में साबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव साथ आ चुके हैं। ओसामा साहब ने खुले तौर पे यह ऐलान कर दिया है कि बेलागंज की लड़ाई में विश्वनाथ यादव को जिताया जाएगा। साथ ही ओसामा साहब ने हुंकार भरते हुए कहा कि ये तो शुरुआत है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार लगातार बिहार के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं कि राजद एकजुट होके बिहार को बदलने का काम करेगा। बिहार में जिस प्रकार से लगातार अपराध के ग्राफ में इजाफा हुआ है, उन तमाम चीजों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सीधे तौर पे साबुद्दीन के बेटे ने खुले मन से ताकत दिखाने का काम किया। जरा आप सुनिए कि ओसामा साहब ने किस प्रकार से खुले मन से ये कह दिया है कि 2025 के लड़ाई में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इसके लिए अगर हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम देने को तैयार हैं। आपको बता दें कि 90 के दशक में जब लालू यादव का बिहार में एक छत्र राज रहा करता था तो साबुद्दीन लालू यादव के सबसे खास हुआ करते थे। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष को 2025 में जिताने के लिए लगातार साबुद्दीन घूम रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, ऐसे में साहब के बेटे और साबुद्दीन के बेटे केंद्रीय मंत्री साहब से गुजारिश करते कि आए साथ लगातार जो है खाली अपील करके जो है तेजस्वी यादव मुकेश सहनी लगातार खुले मन से कहीं ना कहीं ओसामा साहब ने कहा है कि 2025 में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं ओसामा साहब खुले मन से, जरा आप सुनिए। मैं आपसे यही अपील कर रहा हूँ कि 13 तारीख को हमारे भाई विश्वनाथ को आप ज्यादा से ज्यादा पद दे के चुनाव जिताएं। आज के टाइम में नफरती और बेरोजगारी का दौर है और इस दौर में हम लोग को चाहिए। अरे इस दौर में हम लोग को चाहिए कि एक अच्छी सरकार बनाने की कोशिश करें। 25 में जिसकी लड़ाई हम लोग की 24 से शुरू होगी और तेजस्वी भाई को हम लोग कोशिश करना है कि 25 में मुख्यमंत्री बनाए। उसके लिए हम लोग को इसी चुनाव की तैयारी करनी है। वर्तमान विधायक रफीगंज बिहार का युवा नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, फातमी साहब, ओसामा साहब, संतोष सहनी और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत सारे साथी मंच पर उपस्थित हैं और आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ यादव जी और सभा में उपस्थित बड़े संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों समय नहीं है, बस आप लोगों के बीच में अपील करने के लिए आया हूं कि यहां पे हमारे विश्वनाथ जी प्रत्याशी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। आप सब से अपील करने के लिए आए कि मजबूती से सामाजिक न्याय कैसे मजबूत हो उसके लिए आप सभी को वोट करना है और विश्वनाथ जी को जिताना है। साथियों हमारे पार्टी के सभी नेतागण से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और किस तरीके से भाजपा वाले ने, एनडीए वाले ने हमारे पार्टी को तोड़ा और हमारे विधायक को लिया। तो साथियों ये समय आ चुका है उनसे बदला लेने का। और साथियों इस देश में नफरत की राजनीति हो रही है, हम लोगों को भाईचारा की राजनीति करना है। हमें नफरत की ओर नहीं भागना है, हमें सामाजिक न्याय के साथ चलना है। उस सामाजिक न्याय में जहां पे आदरणीय लालू प्रसाद जी का आत्मा बसती हो ऐसे सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ना है। हमारी विचारधारा है जो जमीन पर बैठे हैं उसको कुर्सी मिलना चाहिए, ऐसी हमारी विचारधारा है। आज की तारीख में देश में देखिए किस तरीके से जो पार्लियामेंट में शपथ लेता है ग्रंथ का,
कि हम समाज को जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन वही लोग नफरत फैलाने की बात करते हैं, बटोगे तो कटोगे इस तरीके की नारा लगा रहे हैं। ये नारा तो हमारे देश में मुसलमान भाई लगाना चाहिए। हम 83% हिंदू हैं और 98 से लेकर अब तक ज्यादा से ज्यादा समय में भाजपा सरकार है, मोदी जी की सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रहे हैं, और उसके बाद आज इस तरीके से नारा लगा रहे, वो आपको सिर्फ बांटना चाहता है साथियों, वो बांटना नहीं चाहता है। आप सब हम सब लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा के साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको हक अधिकार मान सम्मान सब चीज मिलेगा साथियों, सब चीज मिलने वाला है साथियों। इसलिए साथियों आप सबसे अपील है कि मजबूती से हमारे इंडिया गठबंधन के साथी डॉक्टर विश्वनाथ जी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, आप सबसे आग्रह है कि मजबूती से यहाँ पे इनको वोट दीजिए। और ये हमारा टेस्ट मैच है, क्या आप लोग चाहते हैं ना कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने? चाहते हैं ना? जब मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे, एक नंबर का कुर्सी पर बैठेंगे तो दो नंबर का कुर्सी पर एक अति पिछड़ा का बेटा भी बैठेगा साथियों, क्या चाहते हैं ना? तो मजबूती से ये टेस्ट है और मजबूती से हमारे भाई डॉक्टर विश्वनाथ जी को जिताइएगा। माला पहना देना, पहना देना भाई, इधर से आवाज नहीं आ रहा है, पहले ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि लगातार तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करने के लिए अब फ्रंट से ओसामा साहब लगातार मेहनत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और इसी की बानगी है कि बेलागंज में लगातार खून और पसीना साबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब बहाते नजर आ रहे हैं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, बेलागंज।